भाइयों और बहनों, आज हमारी बिल्ली टीचर हमें पढ़ाएगी साइन कोसाइन टैन कैसे होता है एकदम सिंपल देसी भाषा में। हम एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि अगर आप फॉरेस्ट ऑफिसर हो और आपको एक बड़े से पेड़ की हाइट मेजर करनी है। ये पेड़ बहुत बड़ा है तो उस पे चढ़ के वो रोप लगा के वगैरह अगर हाइट मेजर करनी है ना तो बहुत तकलीफ होगी। तो हम साइन कोसाइन टेन का यूज़ करके इसकी हाइट मेजर कर सकते हैं। हम देखेंगे ये कैसे वर्क होता है। पहले तो ये जो फॉरेस्ट ऑफिसर है वो अपना और पेड़ के बीच का डिस्टेंस नाप लेगा, मान लो ये 50 फीट है, और उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे ये वो एंगल भी मेजर कर सकता है। जैसे वो पेड़ की टोर्च को देखेगा और बोलेगा चला ये 30 डिग्री एंगल पे है। ओके, तो अब इस पिक्चर को देखोगे ना तो एक्चुअली ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, जहाँ पे ये डिग्री, ये एंगल होता है 90 डिग्री। चलो ये सिंपल एग्जांपल मैंने दे दिया, यहाँ पे 3 इसकी हाइट है और 4 उसका बेस है और उसका एंगल होता है 36.87। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल में ये हमेशा फिक्स होता है कि अगर आप उसकी हाइट और जो बेस है उसको अगर आप फिक्स कर दो तो ये एंगल भी फिक्स हो जाएगा। अगर आपके पास कोई इंस्ट्रूमेंट है तो आप 3 सेंटीमीटर का और 4 सेंटीमीटर का राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो ये एंगल हमेशा 36.87 ही आएगा। ऐसा क्यों होता है? वेल, ये एक नेचर का लॉ है। आपकी आंखें क्यों 2 है? वेल, वो नेचर का एक लॉ है। वैसे ये नेचर का लॉ है कि राइट एंगल ट्रायंगल में जो 2 बाजू होती है अगर आप फिक्स कर दो तो ये एंगल भी फिक्स हो जाएगा। तो मतलब ये 2 बाजुओं का और एंगल का एक फिक्स रिलेशनशिप होता है। अगर इस एंगल को बढ़ा दोगे, जैसे 4 कर दोगे तो ये 45 हो जाएगा, इसको अगर बढ़ा के 5 कर दिया तो ये 38.65 हो जाएगा। तो आप समझ गए होगे कि ये तीनों का जो रिलेशन है ना वो फिक्स है। अब मैथमेटिशियन क्या करते हैं कि बहुत सारी मेजरमेंट करते हैं और बाद में रिलेशन को वो आइडेंटिफाई करने के लिए उसको एक नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे ये फिक्स हो गया कि 36.87 और 3 और 4 का कुछ तो रिलेशन है, ये फिक्स होता है बेसिकली। इन तीनों में से कुछ भी एक चेंज करोगे ना तो दूसरा चेंज होगा बेसिकली। अब 3 और 4 है उसको रेशियो में भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि ये एंगल का और 3 और 4 का जो रेशियो है जो कि है 0.75, उसका एक रिलेशन है। तो मतलब 36.87 और 0.75 का कोई रिलेशन है। तो मैथमेटिशियन ने इन रिलेशन को बोल दिया ये है 10 थीटा। ये 10 भैया बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक रिलेशन जो नेचर में आपने साइंटिफिक मेजरमेंट करके जो आपने पाया उसको आपने एक नाम दे दिया कि उसको बोलते हैं 10। और ये 10 हमने देखा, ये 3 और 4 का हमने डिवीजन किया तो 3 होती है ऑपोजिट साइड और 4 होता है एडजेसेंट साइड। तो हमने बोल दिया 10 थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। आपको ये टीचर ने पढ़ाया होगा स्कूल में, तो मैंने सिर्फ उसको दूसरे वे में प्रेजेंट किया कि एक नेचर का लॉ है और मैथमेटिशियन ने नेचर के लॉ को नाम बोल दिया एक 10 थीटा। अब मजे की बात ये है 10 थीटा, अगर 10.3687 करोगे तो हमेशा 0.75 ही आएगा। ये एक फिक्स मैपिंग है नेचर में। ओके, जैसे 2 और 2 कैसे 4 होते हैं, 2+2 हमेशा 4 क्यों होते, 2+3 हमेशा 5 क्यों होते, भैया वो नेचर का लॉ है। उसी तरह 10 अगर 10 डिग्री का करोगे तो 0.176 ही आएगा, 10.45 करोगे तो 1 ही आएगा। तो मतलब नेचर में एक ऐसा एक टेबल है कि एक फिक्स रिलेशन है जो हमेशा होल्ड ट्रू करता है। एक वेबसाइट है rapidtables.com, उस पर जाके आप 10 की दूसरी अगर अलग अलग वैल्यू डालोगे तो आपको ये टेबल मिल जाएगा। तो बेसिकली ये फिक्स मैपिंग हो गया। अब इस फिक्स मैपिंग का यूज़ करके हम अपना बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। मेरे को पता है आप लोग बड़े ही होशियार हो, तो आपने ऑलरेडी फिगर आउट कर दिया होगा कि फॉरेस्ट ऑफिसर पेड़ की हाइट कैसे मेजर करेगा। 10 थीटा इक्वल टू ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड, ऑपोजिट साइड है x, एडजेसेंट साइड है 50 फीट, एंगल है 30। अब 10.30 क्या है? अरे अपना टेबल है ना, देख लो 10.30 है 0.577। अगर टेबल नहीं देखना है तो ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाओ और उसमें डाल दो कि भैया 10.30 क्या होता है। देखो 10.30 अभी डाला, क्या आ गया 0.577। तो मैं 0.577 यहाँ पे डालूंगा और सिंपल मैथ करूँगा, 50 वहाँ चला जाएगा तो मेरे को मिल जाएगी हाइट 28.85। मैं एक स्मार्ट मैथमेटिशियन हूँ और मैथमेटिक्स का पहली बार मेरी लाइफ में जो पढ़ा था उसका कुछ यूज़ तो आया भाई।
मेरे को पेड़ पे तो नहीं चढ़ना पड़ा, आप समझ रहे हो, ये टेन थीटा साइन थीटा वगैरह का रियल लाइफ में यूज होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल में पढ़ाया गया है। अब जो क्यूरियस कैट है, जो कि स्टूडेंट है, वो अपनी टीचर को बोलती है, भैया साइन और कोसाइन क्या होता है? साइन और कोसाइन समझने के लिए पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम समझना पड़ेगा। ये एक अंकल हुआ करते थे पाइथागोरस, जो कि बहुत स्मार्ट अंकल हुआ करते थे पहले के ज़माने में। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की कि भैया राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज होता है, जो एक्स, अब हाइपोटेन्यूज को सॉरी हिंदी में क्या बोलते हैं मेरे को नहीं पता, गुजराती में उसको कर्ण बोलते हैं, लेकिन जो हाइपोटेन्यूज है बेसिकली, उसको अगर आप स्क्वायर करो तो वो होगा 3² + 4² बेसिकली। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू अपोजिट स्क्वायर प्लस एडजेसेंट स्क्वायर ऑफ दिस एंगल। तो 9 और 16 हो गया 25, तो x हो गया 5। यार ये सिंपल मैथ है, अब इतना तो आना चाहिए आपको। तो ये है आपका पाइथागोरस थ्योरम। अब हम साइन और कोसाइन को समझते हैं एक दूसरा रियल लाइफ एग्जांपल समझ के। अगर आप मैथ सीख रहे हो और आपकी लाइफ में मैथ का यूज़ क्या आ रहा है वो अगर आपको पता नहीं है तो भैया क्या पॉइंट है। जैसे आपके घर पे एक बहुत बड़ा बक्सा पड़ा है और बक्से को खींच के आपको ले जाना है दूसरी साइड, तो आप क्या करोगे, क्योंकि उस पर एक रोप लगा दोगे और रोप लगा के उस पर खींचोगे तो बक्सा चला जाएगा। अब आपको एक सही एंगल यहाँ पर रखना पड़ेगा। अगर आप रोप को यहाँ पर ऊपर खींचोगे तो भी नहीं चलेगा, एकदम नीचे खींचोगे ना तो भी नहीं चलेगा, क्योंकि बक्से का और ये सरफेस का एक फ्रिक्शन होता है, तो वो आपको राइट एंगल पे डालना है। तो अब आप ये फाइंड करना कि ये एंगल कौन सा है, मेरे को मेजर करना है। चलो समझ लो मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, ये फोर्स की एक क्वांटिटी होती है न्यूटन, 10 न्यूटन का मैंने फोर्स लगा दिया और एंगल रखा 30 डिग्री। मेरे को ये जानना है कि 10 न्यूटन में से कितना न्यूटन बक्से को हॉरिजॉन्टली मूव करने में यूज़ हो रहा है और कितना न्यूटन बक्से को वर्टिकली लिफ्ट करने में हेल्प कर रहा है, क्योंकि आपको दोनों करना है। आप थोड़ा वर्टिकली, अगर फ्रिक्शन ज़्यादा है ना तो आपको थोड़ा ये YF बढ़ाना पड़ेगा, ताकि थोड़ा फ्रिक्शन कम हो, ये थोड़ा ऊपर आए तो बक्सा इजीली मूव हो सके। आई होप आपको ये समझ में आ रही है थियरी। तो पहले हम ये फाइंड करते हैं कि YF मतलब बक्से को ऊपर कितना खींचना है, कितना फोर्स का कंपोनेंट ऊपर जाएगा, ये हम फाइन करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रायंगल हो गया, ओके, और YF मेरे को फाइन करना है। अब हमें ये पता है YF, XF, 30 डिग्री और 10 न्यूटन, ये सारे कोरिलेटेड है। दूसरा ये भी होता है, अगर आपको ये एंगल और 10 न्यूटन पता है ना तो आप YF फाइन कर सकते हो, आपको XF की ज़रूरत नहीं है वैसे, आपको ये दोनों चीज़ें पता है ना तो आप YF फाइन कर सकते हो। मैंने क्यों बोला कि XF की ज़रूरत नहीं है, देखो अगर YF को थोड़ा बढ़ा दो, अगर थोड़ा बढ़ाओगे तो XF तो इतना ही रहेगा, लेकिन ये 30 डिग्री और ये न्यूटन का फोर्स चेंज हो जाएगा। तो ये जो रिलेशनशिप जो है ना, ये YF और 10 न्यूटन और एंगल, ये तीन का, उसका भी अपने जो शाणे मैथमेटिशियन लोग हैं ना, उन्होंने एक नाम दे दिया भैया साइन थीटा। वो बोलते हैं साइन थीटा होता है ऑपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूस। तो साइन थीटा मतलब साइन 30 इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड अपनी है YF और हाइपोटेन्यूस है 30 डिग्री। अब साइन 30 क्या है? साइन 30 10 जैसा ही एक टेबल है, ये एक फिक्स नेचर का लॉ है कि साइन 1 डिग्री करोगे तो 0.0174 ही आएगा। अगेन 2 और 3 5 क्यों होते हैं? अरे भाई वो नेचर का लॉ है। उसी तरीके से साइन का भी लॉ है, आप repeattables.com में जाओ, देखो साइन 30 किया तो 0.5 आया, साइन 45 किया तो 0.707 आया, साइन 0 किया तो 0 आया। तो ऐसा एक टेबल है, अब इस टेबल का यूज करके हम अपना आंसर फाइंड करते हैं। चलो साइन 30 कितना है? 0.5 है, ओके। YF मैंने डाला 10 डाला। अब यार आप सब लोग बहुत शाणे हो, मेरे को पता है आपको पता चल गया होगा कि YF होता है 5। तो देखा आपको आंसर मिल गया। तो साइन थीटा का यूज करके आप जो वर्टिकल कंपोनेंट है फोर्स का वो आप फाइंड कर सकते हो, मतलब 10 न्यूटन में से 5 न्यूटन जाता है बक्से को लिफ्ट करने में। अच्छा कितना न्यूटन जाता है बक्से को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ले जाने के लिए? उसका जो रिलेशन है उसको इन लोगों ने बोल दिया कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है पास की बाजू डिवाइड बाय ये हाइपोटेन्यूस। तो कॉस 30 इज इक्वल टू XF डिवाइड बाय 10। कॉस 30 भी एक टेबल ही है, वो भी आप repeattables.com पे जाओ, दे कॉस 30 बोलोगे ना तो हमेशा 0.866 ही आएगा, ये नेचर का लॉ है। तो मैथ किया, 10 यहाँ पे चला गया तो XF आ गया 8.66। तो बेसिकली अगर मैंने स्कूल में मैथ में साइन कोसाइन अच्छे से पढ़ा है ना,
तो मैं बक्से को अच्छी तरीके से लिफ्ट कर सकता हूँ। मैं ये फिगर आउट कर सकता हूँ कि भैया कितना फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जाएगा, कितना फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा के ये जस्ट समराइज करने के लिए इक्वेशन बताया है। इसकी एप्लीकेशन रियल लाइफ में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या तो फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बहुत होती है। तो बहुत सारे यूज केसेस है, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाने के लिए लोगों ने पढ़ा दिया, इसका रियल लाइफ इम्प्लीकेशन बहुत ज़्यादा है। तो ये कॉन्सेप्ट पढ़ने से आपके आगे के करियर में हेल्प होगी। अगर आप डेटा साइंस में करियर बनाना चाहते हो तो भी साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा का नॉलेज ज़रूरी है। आप कोसाइन सिमिलरिटी एक कॉन्सेप्ट आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, उसका बहुत यूज करोगे। तो कोसाइन सिमिलरिटी के समझने के लिए ये बेसिक फंडे तो पता होना चाहिए। हम अगले फ्यूचर ट्यूटोरियल में कोसाइन सिमिलरिटी की बात करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन है वीडियो में प्लीज पोस्ट कीजिए। मैं अपनी चैनल पे डेटा साइंस ये सब पढ़ाता हूँ। मेरा फंडा ये है कि लोगों को सिंपल भाषा में चीज़ें पढ़ाना। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आई है तो सब्सक्राइब कीजिए, आपके फ्रेंड्स जो मैथमेटिक्स में स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।